अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। टुडे करंट पेपर CS 302 का आपसे शेयर करेंगे, लेकिन ठहरिए ठहरिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को पहले ईमानदारी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा के आल पे क्लिक कर दें, एक लाइक और एक कमेंट जरूर कर दें। बहुत मुश्किल से पेपर हम कलेक्ट करते हैं, बच्चों की मिन्नतें करते हैं तो फिर आपको ये डाटा शेयर करते हैं, ठीक है। तो अप्लाई द स्टेट रिड्यूस प्रोसेस, ठीक है, रिड्यूस द नेम्स ऑफ द स्टेट्स मच पॉजिटिव्स। तो ये क्वेश्चन था आपका, आया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। राइट द फाइव एलिमेंट्स विच इज़ यूज टू स्लॉप, ठीक है, और डिजिटल कन्वर्टर सर्किट, ये आप लोगों ने बताने थे। क्वेश्चन नंबर टू, मुझे ये बताएं चैनल किया कि नहीं, सब्सक्राइब बताएं ना, किया कमेंट करें, मैं ये पता चले बताएं, फिर आगे लेके जाऊंगा, नहीं तो नहीं लेके जाता। राय साहब ने अभी इधर स्टॉप लगा दी है, इससे तो अच्छे मुझे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले हैं जो व्यू भी अच्छे देते हैं, कमेंट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, और आप लोग हमें कुछ भी नहीं देते, लाइक भी नहीं करते, कमेंट भी नहीं करते इस तरह से। इसके बाद एक और पेपर शेयर करूँगा, अपनी फाइल से पेपर शेयर करूँगा और किस तरह से आया था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन पढ़े, राइट द ISTYP स्टेटमेंट्स यूज स्पेसिफाइड एक्टिव लो आउटपुट्स ऑफ द रजिस्टर्ड मोड। ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेज, जो मेमोरी नेम वो लिखनी थी, टू टाइप्स लिखनी थी, कौन सी है पता है आप लोगों को? नहीं पता, बता देता हूँ थोड़ी देर तक बुक से, आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको पढ़ें पहले, आप स्टडी करें, स्क्रीन शॉट लें, फिर नेक्स्ट लेके चलते हैं। इसके बाद टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्टेज मेमोरी, ये दो टाइप्स बतानी। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या था, और ये था, आप लोग पढ़ लें, ये भी उसने पूछा था तीसरा क्वेश्चन आपसे करंट पेपर में, सुबह 8 PM जो सॉरी AM जो पेपर हुआ है उसमें पूछा था। जी डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद इन जो इनकम्प्लीट दो सर्किट्स ऑफ द 3 bits काउंटर फ्लिप फ्लॉप ऑफ द लेफ्ट टू राइट अनकनेक्टेड कनेक्टेड द 3 flip-flops टू द फ्लिप फ्लॉप्स। ये आपको अपनी बुक से भी क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये पेपर बड़ा अहम क्वेश्चन था और पेपर में आया वो 3 bits का आपने जो है डाउन करना था, क्या काउंटर बनाना था फ्लिप फ्लॉप के अंदर से। तो ये इंशाल्लाह मैं अपने जो है पेपर हैं उसमें से दिखाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, पढ़ लें इसको भी अच्छी तरह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था ये पूछा, डायग्राम करने बनानी थी और 3 bits की बाइनरी काउंटर कम्प्लीट द डायग्राम पुटिंग था, ठीक है, और इनबॉक्स। अब मैं अपनी बुक पे लेके जाता हूँ, वहाँ से भी आप लोगों को इसी तरह का मटेरियल जो है वो दिखाता हूँ कि पेपर वहाँ से किस तरह से वो पूछ रहा था और क्या क्वेश्चन आपसे कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको दिखाता हूँ। जी डी स्टूडेंट्स, ये मेरी बुक जो लिखी है वो आ गई है 302, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह के फजल व करम से ये किताब लिखी है, शॉर्ट बुक लिखी है। तो बच्चे बता रहे थे कि सर जो ज़्यादा पेपर था वो आ रहा था इसमें से, MCQs तो काफ़ी ज़्यादा बता रहे थे, वो तो मुझे याद नहीं, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि फ्लिप फ्लॉप का जो ये वाला टेबल आया हुआ था, ये टेबल आया फ्लिप फ्लॉप का, ये फ्लिप फ्लॉप के बारे में पूछा था, ये सारा सीन,
यानी कि ये चीज़ें पूछी थी, और इसके बाद जो है उन्होंने ये टेबल था ना जो ये पूछा हुआ था, देख लें आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, ये टॉपिक जो है पूछा हुआ था, उसके साथ जो टेबल उन्होंने कहा था ना आपने बताना है अप डाउन काउंटर का, तो वो ये था, यही निशान लगा के उन्होंने मुझे सेंड किया था। मज़ीद जो है मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे भी दिखा देता हूँ, व्हाट्सएप में इधर से ही देख रहा हूँ। तो इसके बाद और क्या पूछा था वो भी मैं बताता हूँ, बकायदा मैंने हाईलाइट भी किया हुआ था, तो वो भी आपको जो है मैं शेयर कर देता हूँ। जी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो उन्होंने कहा था कि ये मशीन्स आपकी पूछी थी, मोरेर मशीन और स्टेट डायग्राम पूछी हुई थी 3 बिट्स की, वो आई हुई थी। ये भी टेबल पूछा हुआ था उन्होंने काउंटर के बारे में, 1 2 देखें ये सांस है, 1 से लेके 8 तक जाना है, 4 इसकी सिफरें हैं और एक एक है, फिर 2 2 कर दें, 2 एक एक कर दें, इस तरह से एक एक कर दें, ये आपका टेबल था उन्होंने पूछा था इसका, फ्लिप फ्लॉप का नहीं सॉरी काउंटर का, ये वाला इसको देख लें अच्छी तरह से। इसके बाद उन्होंने कहा था कि सर ये चीज़ आई हुई थी, ये चीज़ ये अप अ काउंटर क्या होता है, 3 बिट्स का जो है आप लोगों ने ये बनाना, जैसे कि मैं आपको वहाँ पे क्वेश्चन था ना वो दिखा रहा था, ये वाला ये देखें ये वाला क्वेश्चन, इसी में ही यही क्वेश्चन का जिक्र किया गया है, ठीक है। उसके बाद डाउन काउंटर के बारे में भी वो कह रहे थे कि क्वेश्चन अक्सर जो थे वो पूछे जा रहे थे, तो डाउन काउंटर भी आप यहाँ से तैयार कर सकते हैं। जी डियर स्टूडेंट, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट करवाई थी, ये मशीनें जो हैं ज़रूर याद करके आप लोगों ने जानी है, तो ये आती रहती हैं पेपर में, इसके बारे में वो क्वेश्चन जो है वो करता रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दें, अब मैंने जाना भी है, कुछ खाना भी है, सुबह से ये काम कर रहा हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के लाइक कमेंट जरूर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।